कहाँ पर भी है बैल? वो इसका सिंग जैसे उखड़ के आ रहा है तो उसमें जख्म जगह पड़ गया है। कहाँ पर भैया? कहाँ है, कहाँ है? इसके तो सिर में छेद हो रखा है, गोली मारी है किसी ने? ये तो नहीं पता गोली मारी है कि नहीं मारी है। हो सकता है कि क्या पता अगर किसी में गुस्सा होगा नहीं वही क्या तू हलन था तेरे हलन ये यही है कि बोलते ये जो घाव ये जो मैगट्स हैं सारे अंतर तक चले गए हैं इसकी पूरी खोपड़ी में। अरे उसका दूसरी साइड का कान खा गए पूरे के पूरे। ये बोलते बड़े वाली गाड़ी तो है नहीं, फिर देखते हैं अब या गाड़ी हायर करते हैं या छोटे वाली गाड़ी में तो जाएगा नहीं। कोशिश तो कर रखे लखनऊ वो बछड़ा तो पकड़ दिया है ना हमने, यहाँ पे भाई जी हैं इन्होंने गाड़ी हायर कर दी है हमें ना, तो हम बोल रहे हैं कि बोलते इसकी गाड़ी की पेमेंट यही दे देंगे तो हम ले आएंगे कर देंगे हम गाड़ी गुड़ी का करवा देंगे हम आप लेके जाओ। धन्यवाद भैया बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। ये घर कई है मगर छोड़ दिया किसी ने अब ये मैक्सिमम सर रोड पे जो है सभी घर के ही हैं अब छोड़ दिए किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे हम कि ये आपका क्या आपका क्योंकि सर कान का वो टैग भी हटा रखा है ना। हाँ। कान भी फटा हुआ है ना इसका। हाँ, इसका। कान तो पूरा खा गया है मैक्स खा गए हैं जबरदस्ती की होगी ना निकालने की टैग की तो हो सकता है। आ जा बेटे आ जा इसके तो चाचा पैर के नीचे भी चोट लग रही है। चल बेटा उठ जाओ बहुत गंदा सच में यार अभी ये माथे पे भी वैसे होल है ये मैगेट्स ही पूरे ये। हाँ जी डेड है ये। तो अभी हम पानी से क्लीनिंग कर रहे हैं ना। हाँ जी मैगेट्स की बारिश हो रखी है सर यहाँ पर। ये क्या निकला है भाई? ये डेड टिश्यू है कान है ऐसे पर ये पूरा सड़ गया है पूरा मैगेट्स ने खा लिया है। बहुत गंदा हाल है भाई। तो हमारे को इसको रखते 5.5 महीने हो गए है ना, यहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस वजह से हीलिंग में भी समय लगता है। तो अब इसको हम लोग हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं और हॉस्पिटल से कुछ एनिमल्स हमारे आज रिलीज होने तो जगह भी हमारी मैनेज होती है। इसकी चोट तो बहुत 2-3 इंच की थी ना सर? नहीं नहीं चोट इसकी थी मान लो इतनी बड़ी चोट थी। हाँ। इसकी लेकिन उसमें ना ग्रोथ थी मांस निकला हुआ था काफ़ी ज़्यादा और धीरे धीरे करके वो मांस कम हुआ है ना। उसका हूफ पहले देखना ऐसे हो जाता था जैसे कि हूफ है तो उसका हूफ पूरा ऐसे हो जाता था तो चलता था तो ये पोर्शन उसका ज़मीन में ऐसे होता था। अभी ऐसा है कि हाँ थोड़ा बहुत उसमें स्टेबिलिटी आई है ना तो हूफ ऐसे ही रहता है उसका वो चलता है तो थोड़ा हूफ बस हल्का ऐसे होता है। बहुत अच्छे से समझा नहीं पाई हूँ लेकिन ठीक है। सही बच गया आप तो पाइप पे है ना। बंटी जिसको धनोटू से रेस्क्यू किया था और इसके जो हाइंड लेग है उसमें जो थाई वाला पोर्शन है वहाँ पर डीप वूंड था और मैगेट वूंड था लेकिन अभी हील हो चुका है पूरी तरीके से। पिंक स्किन थोड़ी सी रह गई थी तो वहाँ पे जिंक ऑक्साइड लगा दिया है जिंक ऑक्साइड का पेस्ट और अभी उसको वापस यहाँ हम थोड़ा सा आगे ले जाके रिलीज करने वाले हैं। इसको कॉलर क्यों नहीं पहना हमने? क्योंकि धनोटू का है ना फिर लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों का बैल है आप लोग अंदर रखिए। बंडी के साथ साथ हमने 2 एनिमल्स को और रिलीज किया जिसमें था एक हेमराज अंगूठा। हेमराज को टेस्टिकल में इंजरी थी बहुत अच्छे से हीलिंग हुई उसकी। और अंगूठा को कान में इंजरी थी जिसका कारण तो नहीं पता लेकिन कान उसका आधा कट चुका था ब्लीडिंग बहुत हुई थी बट उसकी भी रिकवरी बहुत ही अच्छी हुई तो हमने उनको रिलीज कर दिया। हो सकता है इसका कान को टैग लगा हो जैसे टैग लगाते हैं हो सकता है किसी ने टैग काटा हो ओनर ने किसी ने और टैग काट के छोड़ा होगा इसको। नहीं बच्चे
मुझे पता उसका हाथ भारी है पर क्या कर सकते। हाँ मेरे बच्चे। एक सेकंड बच्चा। हिल। भगवान जी। हाँ नहीं नहीं बच्चों कुछ नहीं लगाया है नहीं और तू भी झूठा एक नंबर का। इसको हमने कल पालनपुर भेजा था एक्सरे के लिए तो इसके हिप में फ्रैक्चर है और इसके जो तीन पार्ट्स में फ्रैक्चर है हिप में तो इसको भी केज रेस्ट के लिए बोला हुआ है और इसको हमने अभी इसकी एंटीबायोटिक पेन किलर्स और सपोर्टिव थेरेपी पे रख दिया। तू नहीं काटता है कहाँ काटता है तू ऐसे ही बदनाम किया तेरे को। ये रसबरी है अगली दोनों टांगों में फ्रैक्चर थे तो हमने इसको भी एक्सरे एग्जामिनेशन के लिए भेजा था तो सुरभि की जो आँख में अल्सर था वो हील हो रहा है और उसकी आँख की वाइटिशनेस सारी चली गया हल्का अल्सर बहुत छोटा सा बचा है अभी इसकी ऑइंटमेंट पर थोड़ा सा वेट गेन किया है और प्लस इसको उठने बैठने में दिक्कत भी हो रही थी और अब ये थोड़ा खुद से उठ बैठ रही है। हमारे पास जितने भी टेस्टिकल इंजरी वाले बैल आए हैं उनमें से सबसे गंदी हालत भोगी की थी और रिकवरी भी उसी की सबसे शानदार हुई है लेकिन इस बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा देर खुश नहीं रह सकते क्योंकि एक और बैल आया है जिसके टेस्टिकल पे इंजरी है। पॉसिबल है कि भाई कैस्ट्रेशन हुई होगी कैस्ट्रेशन के बाद पोस्ट ऑप नहीं मिला होगा प्रॉपर जिसकी वजह से सूजन आई होगी एब्सेस हुआ होगा बर्स्ट हुआ होगा। पशु वाली टीम जो है उन्होंने इसको दो दिन अपने पास रखा बेसिक ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई थी फिर अभी हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है। तो सर ये जो ब्लैक ब्लैक हो रखा है सर ये भी टेस्टिकल ही है? बिल्कुल ही रहा है ये टेस्टिकल ही उस पर ही मतलब मैगट बोन लगे थे तो ये तो सर वो हो जाएगा ना क्या बोलते हैं उसको झड़ने को शेड ऑफ हो जाएगा। मेरा पैर बच गया बस। हमारे कहने पे आप में से कई लोगों ने अपने और अपने एनिमल्स के बीच जो बॉन्डिंग है उसकी कहानी हमसे शेयर करी थी तो जो पहली कहानी हमने फीचर करी है वो है वान्या और उसकी पेट मुर्गी छेनू की। मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाती थी ना कार में तो उसने कार राइड्स को अब हॉस्पिटल राइड्स के साथ एसोसिएट किया हुआ है। बिना एसी के बिल नहीं सोती अगर मेरी दादी बिना एसी के सो गई तो वो उन्हें चोंच मारती रहती है पेट में कि उठो एसी चलाओ। पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर आप अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हमें ईमेल करिएगा। फिलहाल के लिए जो बॉन्डिंग हमारे यहाँ चल रही है वो देखिए। इधर देखो, अरे एक बार देख भी लो, काप काहे रही हो? काप काहे रहे हो? अरे तुम्हारा माता स्टेटस है फिर भी अपना हाल देखो तो सोचो पब्लिक हमारा क्या हाल करती होगी।